साहस सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में, मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मियां अब बढ़ने लगी हैं। भावी प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपना पक्ष रख रहे हैं और चुनावी वादे दोहरा रहे हैं। नगर के इस संग्राम की कवरेज के लिए प्राइम टीवी की टीम राजधानी लखनऊ के इंदिरा प्रियदर्शनी वार्ड संख्या 40 में पहुंची, जहाँ स्थानीयों से बाढ़ में पिछले 5 सालों में हुए कार्यों का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मियां बढ़ रही हैं। इस समय हम राजधानी लखनऊ के इंदिरा प्रदर्शनी वार्ड में हैं। आज यहां नगर के इस संग्राम में प्राइम टीवी अपने कवरेज के साथ जानेगी यहां के लोगों की क्या समस्याएं हैं, कितना विकास यहां के वार्ड में हुआ है, इस वार्ड के विकास की कहानी यहां की जनता की जुबान। ये बताइए कि आप इस वार्ड के निवासी हैं, यहाँ पे क्या कुछ समस्याएं आप लोग की हैं जिसका निदान नहीं होता है? जी देखिए, अभी समस्या जो यहाँ पर दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है, वो रोड के दिख रहा है, क्योंकि यहाँ आने जाने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ हो रही है। इसके जो कंकड़ है, जो पत्थर हैं, सब ऊपर ऐसे निकले हुए हैं, जिससे जब हम बाइक से जाते हैं या बच्चे साइकिल से जाते हैं या वैन जाता है स्कूल का, तो बच्चों में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। अभी एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं, तो काफ़ी समस्याएँ आ सकती हैं, तो इसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और जल्दी से जल्दी इस पर जो है निर्माणाधीन कार्य को तेज़ करना चाहिए, इसकी प्रगति को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे जो ठेकेदार होते हैं या जो रोड सड़क बनाने वाले लोग होते हैं, ये दिखावे के लिए बस ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। आने जाने में जिनको कठिनाई होती है, हम जैसे आम आदमी लोगों को होती है, क्योंकि हम कब यहाँ गिर जाए, कब बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, कब स्कूल जा रहा हो बच्चा उसका किसी बाइक के साथ लड़ जाए। कितने दिनों से ये जो काम है वो ठप हुआ है, बना हुआ ये काफ़ी समय से ठप चल रहा है, जब से ये लगभग एक महीने के करीब समथिंग हो ही रहा है, 3 महीने के करीब हो रहा है, तो तब से ये ठप ऐसे पड़ा हुआ है। यहाँ के पार्षद कौन है अभी? यहाँ के पार्षद जो है आप बताए, राम कुमार जी। तो आप लोगों ने उनसे अपनी शिकायतें कही थी इसके लिए? बहुत बार सबसे कहा गया, हम लोग दौड़ते रहते हैं, कागज़ लेके लिख के लेटर बना के पैड बना के जाते रहते हैं, लेकिन एक तरीके से ऐसे होता ना, सामने हमने मैं आपके आया और इसके बाद आपने कहा ठीक हो जाएगा, बाद में आप पीछे हट गए, पता नहीं चला, फिर मैं कॉल कर रहा हूँ रिसीव ही नहीं हो रहा है, हम बिजी हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं, तो ऐसे सारी कहानियाँ चलती रहती हैं। और विकास के लिए कहा जाए तो विकास को बिल्कुल अच्छे, जिन्होंने जितनी भी बातें कही, हाँ, इनके नहीं सुन रहे हैं, इनकी बातों में 100% सच्चाई है। ये पिछले जो है 3 महीने से इस तरह से रोड पड़ी हुई है, और इसमें कुछ राजनीतिक कारण भी है, जैसे पूर्व पार्षद जो अपने प्रेमचंद वर्मा जी थे, उनके सपोर्ट में ये राम सुरेश वर्मा जी थे, जिसकी वजह से रोड नहीं बन रही लगातार, ये समस्या इससे है। हम लोगों ने इस पर प्रयास करके यहाँ तक तो बनवा दिया, पहले यहाँ पे सीवर का गड्ढा था, वो जो है मतलब पानी बहता था, बहुत नीची रोड थी, आने जाने में बिल्कुल झूला रोड थी, इसको हम लोगों ने किसी प्रयास से कराया, उसके बाद जब देखा पार्षद जी ने, रामपुरा वर्मा ने देखा कि रोड बन रही है, तो इस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया। अभी ये कार्य रुका हुआ है, अभी हमारी जय से भी बात हुई है इस मामले में, तो जय ने कहा कि जो है कुछ विवाद है इस रोड पर, तो हमने कहा जो विवाद है वो हमें आप आके यहाँ पर सॉल्व कराइए, आप पता करिए कि इस रोड को क्यों नहीं बनने दे रहे हैं हम लोग। सहयोगी से कहूँगा कि रोड को दिखाएं किस तरह से, ये 3 महीने से ये रोड खराब पड़ी हुई है, आने जाने में लोगों को कठिनाइयाँ होती हैं, किस तरह से खराब, इस पर बड़े बड़े गिट्टी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, कितने बड़े बड़े जो है पत्थर जो है एक तरह से बिखरे हुए पड़े हैं, कठिनाइयाँ होती हैं। इंदिरा प्रदर्शनी वार्ड के चंदन नगर के आप देख सकते हैं किस तरह से नालियों में जो है वो जल जमाव की व्यवस्था यहाँ पे है, इतनी गंदगी यहाँ पे नाले के द्वारा आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि सारी चीज़ों की कवरेज जो है वो दिखाएं, किस तरह से नालियाँ जो ओवर फ्लो हो रही हैं पूरी गंदगी की वजह से, गाँव किस तरीके से है, इतनी गंदगी यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। तो आप ये बताइए कि कितने दिनों से ये असुविधाएं आप लोगों को उठानी पड़ती है? काफ़ी दिनों से यह असुविधा में हम लोग जी रहे हैं, और यहाँ पे डेंगू का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे कोई सुनी नहीं जाती, अगर हम लोग किससे कंप्लेन करें तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये चांदन की नहीं बचती, अब आपके माध्यम से अगर ये हो जाता है तो हम लोग का सौभाग्य होगा, वरना हम लोग बहुत मदद। डेंगू का जिक्र आपने किया, लखनऊ का स्तर डेंगू से, तो यहाँ पे दवाइयों का छिड़काव के लिए मशीनें नहीं आती? नहीं, कभी आई नहीं, कभी नहीं, कई बार कंप्लेन की गई लेकिन मशीन यहाँ नहीं आई। अब आप बताइए
मशीनें आती हैं पानी के लिए? नहीं आती है, कोई मशीन नहीं है, कोई नहीं आती। ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में, ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में दो आदमी तीन आदमी डेंगू से प्रभावित ना हो। बात रखो, और ये गरीबों की बस्ती है, हम आपको बताते हैं इतना हम लोगों का पैसा नहीं कि हम लोग दिन भर 300 रुपए की दिहाड़ी करने वाला बंदा कहाँ जाके डॉक्टर को मतलब जो ये सब व्यवस्था करेगा, बहुत परेशान है सर। आप बताइए, जैसे इन लोगों ने बताया कि यहाँ पे मशीनें जो हैं पौधों के लिए नहीं आती हैं, दवा का छिड़काव एंटी दवा छिड़काव नहीं हो रहा है, और पूरी बस्ती डेंगू से ग्रस्त हुआ है, कितनी सच्चाई है इनकी बातों में? 90% 100% की नहीं, 100% इसलिए नहीं कुछ सही है मगर 90% बीमार है, 90% बीमार है। तो नगर निगम से भी कोई छिड़काव की मशीन नहीं आती, और यहाँ के जो पार्षद जी हैं उनका क्या सहयोग रहा है इसमें? कुछ भी नहीं रहा, ये देखिए आपके सामने है, तो कभी आते ही नहीं है आपके सामने है तो दूर है। 7 सालों के बाद यहाँ कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि हम यहाँ खुद रह रहे हैं सामने, किसी का नाम लेके नहीं कहना है। यहाँ पे आज से 7 साल 8 साल हो गए, कभी कुछ हुआ ही नहीं। कंप्लेन दी गई नगर निगम को भी दी गई, PWD को भी दी गई, उसके बाद जल निगम को भी दी गई यहाँ के सीवर का, उसके बाद विद्युत विभाग को भी दी गई। देखिए आप कंडीशन तार की क्या है, आए दिन तार टूटते हैं, आते हैं लाइन में, उनको बताया जाता है कि सर ये हमारा है, वो घंटों इसमें जूझे रहते हैं, कभी कोई कार्य होता ही नहीं। पार्षद से कहा जाए कि वो लोग कहते हैं हम तो करवा देंगे, किसी से हम लड़ाई मोल ले लेंगे, आप जैसा चल रहा है वैसा निभा देंगे। पार्षद आते हैं, पार्षद का आता पता ही नहीं, हम तो खुद उनसे मिलने के लिए जाते हैं शादी ब्याह की, सर हमारे क्या शादी है, आप कृपया इसको साफ करा दें, तब जाके वो कुछ देर के बाद आते हैं, तब वो मौके पर साफ करते हैं, वो तो नहीं आते, लेकिन वो अपने किसी साथी को भेज के वहाँ पर साफ कराते हैं। हमने कंप्लेन भी की, कितनी नालियों के लिए बाकायदा हमने कहा, तो हम लोग खुद अपने हाथों से इसको साफ करते हैं, क्योंकि सन 2013 के बाद से जहाँ तीसरे ये पार्षद बदले हैं तब से यहाँ कोई कार्यक्रम होता ही नहीं। मैं अपने सहयोग से कहूँगा पूरा से पूरा देख लीजिए, पूरा लंबा ना पूरे में पूरे की जरूरत है, आप वीडियो बनाइए, इन नालियों को दिखाएं किस तरह से जो है ये ब्लॉकेज है नालियाँ, ये नालियाँ जो है यहाँ पे जल जमा रुक गया है, इतनी गंदगी इन नालियों में है, कहीं कहीं नालियाँ ओवरफ्लो भी हो रही है, लगा हुआ है, इन्हें गंदगी की वजह से सूबे में संचारी रोगों का प्रभाव बढ़ता है, लोग बीमार होते हैं, हजारों की तादाद में अस्पतालों में सिविल अस्पतालों में OPD में मरीज जो है गरीब आदमी जो है वो OPD के चक्कर लगाता है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं जो नगर निगम है वो इन सब चीज़ों की सुध नहीं लेता है। सत्ता में आने के बाद यहाँ के नेता जनता के वोट लेने के बाद यहाँ की जनता को भूल जाते हैं, और जो मुख्य समस्याएं हैं सड़क पानी नाली सीवर इन सब से उनका कोई वास्ता ही नहीं रहता है। आप देख सकते हैं कि गंदगियों के ढेर पे बसा हुआ यह मोहल्ला है, चानल की ये नई बस्ती है, नालियों की हालत आपके सामने है, यहाँ के पार्षद द्वारा कितना काम हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जल जमाव की व्यवस्था है, किस तरह से जल जमाव की पूरी व्यवस्था है, हर जगह जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, साफ सफाई के नाम पे एक पैसे का भी काम यहाँ पे नहीं किया गया है। मैं अपने सहयोग से कहूँगा कि इसको अच्छे तरीके से कवर करके आपको दिखाएं कि कितनी मलिन बस्ती है ये, जहाँ पे पार्षद जी आते ही नहीं है और ना ही यहाँ पे काम करवाते हैं, यहाँ की जनता इस गंदगी में किस तरह अपना गुजर बसर करती है ये भगवान भरोसे तय हो गया है। इस बस्ती को पार्षद जी ने यहाँ के लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। अब हम आपको यहाँ के सीवर की व्यवस्था दिखाएंगे, यहाँ पे एक सीवर लगा हुआ है जो ओवरफ्लो हो रहा है, आप देख सकते हैं किस तरह से सीवर जो है ओवरफ्लो होके इसके अंदर से पानी जो है ओवरफ्लो होके निकलता है और इन मोहल्लों तक पहुँचता है। यहाँ की जो ये पिच है, ये पिच जो है जल जमाव से भरी हुई है, क्योंकि सीवर से जो पानी ओवरफ्लो हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इस बस्ती में कोई भी काम नहीं हुआ है, चाहे वो नाली की बात हो रहा है, चाहे पिच की बात हो, चाहे सीवर की बात हो, इस बस्ती को पूरी तरीके से इस बस्ती की जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। इस बस्ती की मलिनता आप देख सकते हैं कि यहाँ के पार्षद जी जो है इस बस्ती में कभी झांकने तक नहीं आते कि जनता जो है इस गंदगी में कैसे अपना गुजर बसर कर रही है। नगर के इस संग्राम की कवरेज के लिए प्राइम टीवी की टीम इस समय इंदिरा प्रदर्शनी वार्ड के चांदन गांव में थी। यहां के आसपास के इलाकों को हमने आपको बताया और दिखाया कि किस तरह के यहां के जो लोग हैं कैसे कैसे परेशानियों का सामना
कर रहे हैं, नालियाँ कितनी भरी हुई हैं, सीवर जो है ओवरफ्लो हो रहा है, तमाम जो तरह के यहाँ के सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। डेंगू के बढ़ते प्रभाव के बावजूद यहाँ पे एंटी लार्वा और फॉगिंग का कोई भी सुविधा, कोई भी व्यवस्था, किसी प्रकार का छिड़काव नहीं कराया गया है, ना ही कूड़ा करकट उठाने के लिए यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं। इस ऐसी स्थिति, ऐसे मलिन बस्तियों की स्थिति इस प्रकार है कि दुर्गंध से भरी हुई ये जगह हैं। यहाँ की जनता इसी के साथ रहने को, गुजर बसर करने को जो है वो मजबूर है। यहाँ के पार्षद सुनते ही नहीं हैं, इस क्षेत्र में आते भी नहीं हैं और लोगों का कोई काम कर भी नहीं रहे हैं। जिस तरह से यहाँ के लोगों ने बताया कि किस तरह की ये व्यवस्थाएँ हैं, हमने आपको दिखाया यहाँ के पार्षद की सारी स्थिति जो है, पार्षद जी समझते हैं, देखते हैं, लेकिन धरातल स्तर पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा नगर निगम की टीम भी जो इस दयनीय स्थिति को चिंताजनक नहीं मान रही है, और साफ सफाई की तो बात ही छोड़ दीजिए, सीवरों का ओवरफ्लो पानी, नालियों में जल जमाव कई संचारी रोगों को जन्म देता है। मैं विवेक शाही, कैमरामैन विजय के साथ प्राइम टीवी लखनऊ। नगर संग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।